प्रदेश के देवरिया जनपद से है। देवरिया जनपद के पथरदेवा ब्लॉक के मेदीपट्टी में श्री नर्मदेश्वर महादेव मंदिर के स्थापना दिवस के अवसर पर 21 निर्धन कन्याओं के सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन अध्यक्ष सुरेंद्र लाल श्रीवास्तव के द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें विश्व प्रसिद्ध नाट्य संस्था सांस्कृतिक संगम सलेमपुर की प्रस्तुति होगी। वहीं चंद्रावती देवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन अमवा हीरामन दुबे में वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ज्ञात हो कि इस मंदिर निर्माण के बाद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ व कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के कर कमलों द्वारा मंदिर में पूजन अर्चन का कार्यक्रम किया गया था, जिसमें हजारों लोग शरीक हुए थे। इस बाबत अध्यक्ष सुरेंद्र लाल श्रीवास्तव ने कहा था कि स्थापना दिवस के अवसर पर 21 निर्धन कन्याओं का वैवाहिक कार्यक्रम कराए जाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर जा चुकी है। पिछले वर्ष विधि विधान से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मंदिर पर आकर पूजा अर्चना की थी। इस बार भी न्योता दिया गया है, अगर उन्हें समय मिला तो इस बार भी वह कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र की जनता के लिए सुरेंद्र लाल श्रीवास्तव ने कदम उठाया है वह काफी सराहनीय है। हम आशा करते हैं कि वह क्षेत्र की जनता के लिए ही नहीं बल्कि सभी के सुख दुख में बराबर सहयोगी के रूप में खड़े रहेंगे। देवरिया से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। श्रीवास्तव जी जो है कि पिछली साल यहाँ जब मंदिर की स्थापना की है तो उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि अपने धर्म के प्रति और गरीब लोगों की सेवा के लिए मैं इस क्षेत्र में जितना निरंतर प्रयास होगा करूँगा। और आज का जो यह कार्यक्रम रहा शोभा यात्रा के माध्यम से, यह 26 तारीख को गरीब कन्याओं की 21 कन्याओं की शादी करवाएंगे, जिसका संपूर्ण खर्च वो अपने पास से वहन करते हैं। और इस क्षेत्र में धर्म के प्रति वो आदमी एक भगवा वस्त्र पहन के धर्म का प्रचार करता है, लेकिन सुरेंद्र लाल श्रीवास्तव जी बिना भगवा पहने धर्म के प्रति जो जन जागरण किए हैं वो निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लिए आने वाले दिनों में एक बहुत बड़े संत के रूप में विख्यात होंगे। जो ये आपके गांव के जो 21 कन्याओं की शादी करा रहे हैं, इससे आप हमें हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि लोग क्या करें? हम लोग ये चाहेंगे कि लोग निश्चित रूप से इसमें बढ़ चढ़ के सहभागिता लें, और जो भी किसी भी क्षेत्र की गरीब कन्याएं हैं, इन साल 21 कन्याओं का हुआ, अगले साल इस मंदिर समिति का और श्रीवास्तव जी का यह सुरेंद्र लाल श्रीवास्तव जी का यह लक्ष्य है कि अगली बार 51 कन्याओं का हम शादी करें। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि जो भी नितांत गरीब कन्या है उसकी सूची लोग उपलब्ध कराएं सुरेंद्र लाल श्रीवास्तव जी को, कि जिससे उन कन्याओं का भविष्य उज्ज्वल हो सके और सुखमय जीवन यापित कर सके। क्या नाम है आपका? राणा प्रताप सिंह। कहाँ के रहने वाले? पत्थरदेवा में।